अंकिता है और मैं 13 साल की हूँ और मैं गोबरडांगा में रहती हूँ। मेरी म्यूजिक की शुरुआत हुई मैं जब 3 साल की थी, तब कोई टीचर नहीं मिला तो मेरी मम्मी मुझे सारे गामा पादनी से यही सिखाई थी। बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छा। कभी कभी उसका गाना सुन के मुझे बिल्कुल रोना आ जाती। मैं इसीलिए द वॉइस किड्स में आना चाहती हूँ कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और आशा जी की तरह बन पाऊँ। কারণ গান এডুকেশান দুটো অবশ্যই এডুকেশানটা দরকার, কিন্তু পাশাপাশি গানটা হচ্ছে ভীষণ ভালো জিনিস, মানুষকে দুঃখ কষ্ট সব কিছু থেকে অবসান দিতে পারে একমাত্র গান। পড়ালেখা শিখে একটা মানুষ যত বড় হতে পারে তার থেকে অনেক 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 বড় হতে পারে গানের মাধ্যমে। এটা আমি রিয়েলাইজ করেছি যে এডুকেশান সবসময় যে প্রথম প্রায়োরিটি পাবে, গান প্রায়োরিটি পাবে না, এটা সঠিক নয়। मैं चाहती थी बहुत इसके पापा स्पेशली कि एक बार ये पूरी दुनिया के सामने गा ले तो दुनिया इसे पहचान जाएगी कि ये क्या है। बस मेरे पापा को ऐसे कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं जो बोलते हैं कि गाना गा के क्या होगा बेटी, पढ़ाई करो, इसीलिए मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि गाना गा के भी कुछ हो सकता है। मैं 13 साल की हूँ। What is your name? My name is Ankita Bhattacharyya। Ankita, पहले तो very importantly band के लिए जोरदार तालियाँ please। Beautiful, rhythm, tabla, fantastic। Ankita, आपके लिए और भी जोर तालियाँ। Come on everybody। Thank you so much। Ankita, मैं आपको एक चीज कहूँ, हम जो singers हैं ना, composers हैं, musicians के बिना कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत। Ankita, you sang so beautifully, yeah. Oh my God. So good, really good.
अरे बाबा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं ऐसे और बहुत है अपने हैं जो उसे अंडरएस्टिमेट करते हैं। फिर भी उसके पापा ने बहुत एक्सपेक्टेशन है उसके पापा को उसके ऊपर। ख्वाहिशों का चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिश है। तालियां जोर से बजा दी इसलिए रोना आ रहा है आपको? हाँ खुशी के आंसू। खुशी के आंसू शेखर। निधि प्लीज प्लीज वापस आ जाओ यार। नहीं साथ में चलो। अच्छा चलो तो अपना ही है, अपना ही घर है ये। अंकिता मुझे दोनों पे शक हो रहा है। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ अंकिता, यू आर सो गुड। थैंक यू एंड आई वुड लव टू हैव यू इन माय टीम। आपने लाइव परफॉर्म किया है कभी भी? नहीं नहीं किया। ऐसा लग रहा है आप करते आ रहे हैं बहुत सालों से। आई थिंक यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लय है ना इसमें आपको टेंडेंसी होती है थोड़ा सा फास्ट जाने का, और मैं उसी के लिए रुका हुआ था कि कुछ ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन आप लास्ट तक लंबे मात्रा की ताल है, टू बी एबल टू होल्ड इट टिल सम टू सम, ताल में कमाल कर दिया अंकिता। ओके okay, काम करते हैं सारे कोचेस, हम लोग वापस चले जाते हैं वहां। फैंटास्टिक। देखिए आप हमारी टीम में हो, वॉइस किड्स में आ गई। नहीं नहीं यार अंकिता शुरू करते हैं। मैं तो बैठूंगी ही नहीं। आपको पता है मैं क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ ही आने वाले हो। और बताइए आपके बारे में, घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी है, पापा है, मेरा एक छोटा भाई है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अरे वाह, स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अपने जॉइंट फैमिली में एक चाचा भी डाल दो। एक दीदी तो तुम्हारी मिली गई है तुम्हें, नीति दीदी इज ऑल योर्स। बेटा चाचा की जरूरत नहीं है, दीदी की जरूरत नहीं है, अच्छे कोच की जरूरत है, मैं हूँ इधर। अरे तो कोच के हिसाब से कह रहा हूँ। मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? आप प्लीज बैठिए। कोच पूरा टाइम लीजिए, अपनापन मिले कोच के साथ। मैं नीति मैम की टीम में जाना चाहती हूँ। मैजिक आपने क्रिएट किया है, बैक टू बैक हो रहा है इसके साथ यार। मेरी मैजिक में मैं ही फंस गया। जलने की बू आ रही है। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय टीम।